बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आई एम द सोशल स्टडी टीचर ऑफ क्लास सिक्स। टुडे अवर लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर टू। लेक्चर नंबर टू, चैप्टर नंबर 20, मिनरल्स एंड नेचुरल इनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड नेचुरल इनर्जी रिसोर्सेज। इन द प्रीवियस लेक्चर आई विल ऑल्सो राइट सम डिफिकल्ट वर्ड्स ऑन द बोर्ड and in this chapter and in this lecture I will discuss the reading of this page number 89. Now open your social study book, page number 89. Minerals and natural energy resources kya hote hain? Minerals or natural energy resources, minerals mean madaniyat aur natural mean kudrati, and energy resources jo energy ke jo zarai hote hain, energy resources। इसमें हमारे पास आएगा कोयल यानी कोयला, नेचुरल गैस यानी सीएनजी वगैरह, ऑयल और ऑयल जितने भी तेल्स हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, ये सारे हमारे पास क्या है, नेचुरल इनर्जी रिसोर्सेज है जो कि मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में और मुख्तलिफ व्हीकल्स गाड़ियों वगैरह में यूज़ होते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 89 ऑन बुक। नाउ ऑन पेज नंबर 89 ऑन रीडिंग। Minerals and natural energy resources are essential for the industrial growth। Minerals जो होते हैं और natural energy resources जो ज़राए हैं natural energy resources के, ये बहुत ज़्यादा essential है for the industrial growth, industrial की growth को बढ़ाने के लिए, factories को growth के बढ़ाने के लिए। If good quality material are available close to the industries or within the country, the price of the material is lower। अगर हम अच्छे मयार की गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स जो है, अगर वो हम फैक्ट्रीज़ में वगैरह फैक्ट्रीज़ कारखानों वगैरह में हम वो यूज़ करेंगे, तो फिर प्राइस हमारे पास बढ़ जाएगा उन चीज़ों की, गुड्स की। द प्राइस ऑफ द मटेरियल इज़ लोअर, तो उस वजह से उनकी जो प्राइस हो जाएगी उन मटेरियल की, वो बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी, यानी कम तादाद में लोग फिर इसको ख़रीदेंगे। दिस हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रीज़, और ये जो है इसी तरह हमारा जो ग्रोथ हो वो किस चीज़ की वजह से होती है, यानी इंडस्ट्रीज़ के में, इंडस्ट्रीज़ में क्या चीज़ यूज़ होते हैं, ये मिनरल्स वगैरह जो है इस हमारे इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। इफ़ दीज रिसोर्सेज हैव टू बी इम्पोर्टेड फ्राम अदर कंट्रीज़, अगर हम ये ज़रा ये ऑयल कोयला वगैरह जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मादनियात हैं, अगर हम ये बाहर ममालिक से दरामद करें यानी अपने मुल्क में लेकर आए फ्राम अदर कंट्रीज और ममालिक से, तो इट कॉस्ट मोर टू मेक इंडस्ट्रियल गोड्स फ्राम देम एंड दिस इफेक्ट देयर सेलिंग प्राइस, सीलिंग प्राइस। तो फिर अगर हम बाहर से ये चीज़ें, ये मादनियात मिनरल्स वगैरह दरामद करेंगे, तो इस पर बहुत ज़्यादा कीमत यानी बहुत ज़्यादा पैसे की लागत आएगी, और इसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज़ के जो चीज़ें हैं उनके प्राइस पर भी यानी बहुत बुरा असर पड़ जाएगा, क्योंकि अगर हम बैरूनी ममालिक से कोई चीज़ मादनियात वगैरह दरामद करेंगे तो उस पर बहुत ज़्यादा कीमत लगेगी, जिसकी वजह से उस इंडस्ट्रीज़ में जो है वो सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाएगी, और लोग उसको जो है यानी इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ टू हाई, अगर इन आइटम्स की प्राइस को हाई कर दिया जाता है, तो फेवर पीपल बाय इट, तो बहुत कम तादाद में लोग जो है इसको ख़रीदेंगे। एंड द प्रोड्यूसर सफ़र अ लॉस, और जो प्रोड्यूसर होगा, जो इंडस्ट्रीज़ का जो प्रोड्यूसर है, जो मालिक है, उनको बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। मिनरल्स आर ऑल नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ, और मिनरल्स जो है, मादनियात जो है, ये तमाम नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जो कि हम फाउंड हासिल करते हैं ज़मीन से, ये सारे ज़मीन में मौजूद होते हैं और इनसे ही हम हासिल करते हैं जितने भी मिनरल्स हैं। They are found as deposit, और ये एक deposit के तौर पर, एक अमानत के तौर पर इस ज़मीन में पाए जाते हैं, and are known as, और इसको हम और भी कहते हैं यानी कच्ची दात, in their natural form में। The sites where mineral deposits are dug up are called mines or quarries, वो जगह जहाँ से हमें minerals को एक अमानत के तौर पर इनकी खुदाई करके इनको निकालते हैं, तो उसको हम कहते हैं mines या quarries। Okay students, आज की हमारी reading जो थी
पेज नंबर 89 की विद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ कंप्लीट हो गई है और इंशाल्लाह आप लोग जो है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ भी आई होगी। आपने डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ ये सारी रीडिंग जो है अपने साथ दोहरानी है। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है फिर इससे आगे रीडिंग करवाऊँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।